तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। एम्बर एंटरप्राइजेस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.72% की यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो ऐसा भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3188 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3336, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3474, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3600, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3875 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 4000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3081 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2997 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2846 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।